हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए तरह तरह की रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जंगल में एक रात। विशेष श्रीकांत सर का एक स्टूडेंट था और बहुत ही अजीज स्टूडेंट था, सिवाय उसकी कुछ ऐसी आदतों के जो श्रीकांत सर पसंद नहीं करते थे। मसलन, वो बहुत लापरवाह था। बाकी वो पढ़ने में होशियार था और हर चीज़ नए उत्साह के साथ करता था। श्रीकांत सर उसके प्रोफेसर थे, साथ ही साथ वो उनके साथ रहकर काम भी कर रहा था। वो जड़ी बूटियों के ऊपर PhD करना चाहता था और इसके लिए खासा मेहनत भी कर रहा था। एक दिन श्रीकांत सर ने उससे कहा, देखो विशेष, हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है। देखो, ये एक स्पेशल और बहुत ख़ास किस्म की जड़ी बूटी है। अगर ये मिल गई तो समझ लो कमाल हो जाएगा, पर इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमें जंगलों में निकलना पड़ेगा और पता नहीं कितनी देर भटकने के बाद वो मिल पाएगी, क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटी है, ये खुद ब खुद उगती है और पता नहीं, अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसे आखिर इसकी खेती किस तरह की जाए। एक बहुत ख़ास तरह की जड़ है ये, तो अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो एक तरह से तुम्हें फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ सर, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल चलूँगा आपके साथ। कब चलना है? कल। हाँ सुनो, मैं तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट दे रहा हूँ, ये अपने साथ लेकर ज़रूर आना। हाँ, इस बार लापरवाही मत दिखाना, समझे? जंगल में कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है सर, मैं ले आऊँगा। और अगले दिन वो लोग जंगल के रास्ते पर थे। दोनों धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। पहाड़ की चढ़ाई आसान नहीं होती, वक्त किस तरह गुजरता है कुछ पता ही नहीं चलता। पतली पतली पगडंडियों पे उन्हें पैदल चलते हुए जाना था, क्योंकि वो रास्ते ऐसे थे कि वहाँ पर और कोई वाहन नहीं जा सकता था। सर, मैं तो थक गया सर, थोड़ी देर रुककर आराम कर ले। नहीं, थोड़ी देर और चलो। और सर, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी कम से कम 1 घंटे और चलना है, ठीक है? और उसके बाद हम कहीं रुककर लंच कर लेते हैं। वो दोनों लोग चलते रहे। चलते चलते दोपहर हो आई थी और अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था, जंगल आना तो अभी बाकी था। दोनों ने रास्ते में रुककर थोड़ी देर लंच किया और फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। सर, आपने बताया नहीं, आपने पहले कभी इस जड़ी बूटी को ढूंढा है या देखा है? हाँ देखा है, ज़रूर देखा है। जब मैं तुम्हारे जैसा स्टूडेंट था तब मेरे एक टीचर, उन्होंने मुझे इस जड़ी बूटी दिखाई थी, पर एक लैब में। मैंने इसे कभी जंगल में नहीं देखा। और सर, आप इसे पहचानेंगे कैसे? मेरा मतलब है कि जंगल में तो बहुत सारे पौधे होते हैं। मैं पहचान लूँगा, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। चलते चलते वक्त बीत रहा था, शाम हो रही थी। वो दोनों लोग चले जा रहे थे, शाम हो रही थी और पहाड़ों पर अक्सर अंधेरा जल्दी हो जाया करता है। सर, मैं सच में बहुत थक गया हूँ, कि हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? नहीं, अभी चलना है। देखो, अगर हमने जल्दी नहीं की तो रात होने से पहले पहले हम यहाँ से वापस, यह हो सकता है कि हमें रात में भी जंगल में ही रुकना पड़े, समझ रहे हो? क्या, अब इतनी देर चलने के बाद मैं ढंग से आराम भी नहीं कर पाऊँगा। तो तुम्हें मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैंने तो पहले ही कहा था। ठीक है, दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि कुछ देर बाद चलते चलते अचानक से
दोनों को अपने पीछे किसी के गुर्राने जैसी आवाज़ आई और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो एक चमकती आंखों वाला बड़ा खतरनाक भेड़िया था जो अपने दांत निकाले उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, उन दोनों से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर। सर, अब देख रहे ना वो क्या है? हाँ, देख रहा हूँ, डरो मत। जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागना और जल्दी जल्दी किसी पेड़ पर चढ़ जाना, समझे? ठीक है सर, भागो। दोनों भागते रहते हैं बहुत देर तक, और भागते भागते अचानक से उन दोनों का पैर फिसल जाता है एक सरकीली चट्टान से। वहाँ ऊपर की पहाड़ी से रिस रिस कर पानी आ रहा था और उस वजह से वो चट्टान थोड़ी सरकीली हो गई थी। पैर फिसलने के बाद वो दोनों सरकते हुए पास बह रही एक नदी में जा गिरे और नदी के बहाव में कुछ दूर तक बहते चले गए। फिर आखिर किसी तरह उन्होंने तैर कर खुद को संभाला और किनारे पहुँचे। सर, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या करें सर? मुझे तो लगता है कि हम रास्ता भटक गए। हाँ सर, मैं जानता हूँ कि हम रास्ता भटक गए हैं विशेष, पर हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने जो तुम्हें सामान बताया था वो सामान तो तुमने रखा हुआ है ना? हाँ सर, अधिकतर सामान मैंने रख लिया था, पर कुछ चीज़ें नहीं रख पाया। जैसे कि क्या? जैसे कि आपने कहा था कि कुछ खाने की चीज़ें और फर्स्ट एड बॉक्स, उनसे मुझे यही हुआ। कम से कम एक काम तो ठीक से कर लिया करो। और सर, चुप रहो, चलो मेरे साथ। धीरे धीरे इस नदी के किनारे चलते रहेंगे तो हो सकता है किसी बस्ती तक पहुंच जाए। ठीक है सर। वो दोनों चले जा रहे थे। भेड़ियों के बोलने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी, साथ ही साथ तरह तरह के कीड़ों की आवाज़, अजीब अजीब पक्षियों की आवाज़ जो माहौल को और रहस्यमय और डरावना बना रही थी। पैदल चलते चलते अचानक विशेष को कुछ महसूस हुआ। वो श्रीकांत के पीछे ही चल रहा था। वो बोला, सर अब क्या है? सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। तुम पागल हो गए हो? नहीं सर, सच में आपको नहीं पता चल रहा होगा, पर मुझे लगा जैसे मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। जहाँ एक इंसान क्या ढंग से एक शाकाहारी जानवर तक नहीं दिख रहा, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तुम सच में वाकई थक गए हो। पर सर, चलो। काफ़ी देर तक वो चलते रहे। रास्ते का कोई और छोर नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई पड़ी, जिसकी खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी और चिमनी से धुआं निकल रहा था। विशेष, हाँ सर, वो देख रहे हो? हाँ सर, ये तो किसी का घर लग रहा है ना? और देखिए ना, अंदर रोशनी है, मतलब कि कोई ना कोई तो होगा इस घर में। दोनों उस घर की तरफ चल पड़े। घर तक पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, जो कि बेहद जर्जर हालत में था। लकड़ियों के किनारे चटक चुके थे और उनसे छन छन कर प्रकाश बाहर आ रहा था। पूरा घर ही लकड़ियों का बना हुआ था। अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी। उन्होंने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। एक सुंदर सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। कहिए, आपको किससे मिलना है? देखिए, हम मुसाफिर हैं और भटक गए हैं। बस रात भर रुकने के लिए हमें जगह चाहिए।
से। बिल्कुल, आप यहाँ रुक सकते हैं। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम विशेष और ये मेरे सर श्रीकांत। हाँ, आप दोनों यहाँ रुक सकते हैं और आप मेरे यहाँ खाना भी खा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस आराम करेंगे और आप सुबह निकल जाएंगे। ठीक है, पर सर मुझे भूख लग रही है। विशेष, ज़रूर आपको मेरे यहाँ खाना मिलेगा, बैठिए। घर के अंदर काफ़ी रोशनी थी, हर तरफ मोमबत्तियाँ जली हुई थी, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो एक विशेष आकृति में जली हुई हूँ या फिर एक विशेष क्रम में जलाई गई हूँ। कमरे में और कोई नहीं था, सिर्फ कुछ ज़रूरत का सामान था। विशेष, मुझे पता नहीं कि उस घर में कुछ अजीब लग रहा है, पर सर हमें कम से कम जगह तो मिली है, अब आप क्यों हर चीज़ पे शक करते हैं? ठीक कह रहे हैं। कुछ देर बाद वो लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। वो बहुत खूबसूरत थी और पहनावे से ऐसा लगता था मानो वो जंगल की ना हो, शहर की लड़की हो। ले लीजिए सर, आप भी खा लीजिए सर, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। वैसे ये क्या है? अब मैंने आप दोनों के लिए मछली पकाई है, आप लोग मछली को खाने गए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो विशेष, जिससे क्या जाकर इस तरह, मेरा मतलब है तुम अजीब हो, पर सर ज़रूरत भी तो है ना, भूख लग रही है। ठीक है, पर मुझे नहीं खाना। पर क्यों ऐसा? से फिर इस खाने का क्या करेंगे? इसे मैं इसे ऐसा करूँ, तुम्हारे पास लंच बॉक्स तो है ना? हाँ सर। तो ठीक है, उसी में रख लो, जब तुम्हें दोबारा भूख लगे तो खा लेना। तुम्हें यहाँ से कुछ अजीब सी गंध नहीं आ रही है? कैसी गंध? जैसे जैसे कोई चीज़ जल रही हो, जैसे किसी के बाल, या फिर मतलब कोई चीज़ सड़ने जैसी बदबू, तुम्हें नहीं आ रही है? नहीं सर, वो क्या है ना सर, मुझे तो बचपन से ही प्रॉब्लम है। एक बार मुझे इन्फेक्शन हो गया था ना, तब से मुझे किसी चीज़ की स्मेल ही नहीं आती। तुम वाकई बहुत अजीब हो। श्रीकांत ने खाना नहीं खाया, पर विशेष उसने खाना खा लिया और खाना खाते ही उसे बहुत ज़ोरों की नींद आ गई और वो सो गया। पर श्रीकांत अभी भी, उसे ये माहौल बेहद अजीब लग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, हालांकि थका वो भी हुआ था, फिर भी उसने लेटकर सोने की कोशिश की, पर फिर भी वो सो नहीं पाया। अचानक रात के 12 बजे के बाद उसने कुछ आहट सुनी। उसने ऐसा महसूस किया जैसे घर की रसोई में कोई बात कर रहा हो या फिर कोई चाकू तेज कर रहा हो, ऐसी आवाज़। वो सारी मोमबत्तियाँ जो उस घर में थी अभी भी जल रही थी और एक विशेष आकृति में रखी गई थी। इस बात पर पहले श्रीकांत सर ने गौर नहीं किया गया, पर जब उन्होंने गौर से देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सारी मोमबत्तियाँ एक गोल आकृति में रखी गई है, एक घेरा बनाती हुई आकृति में। श्रीकांत सर को अचानक महसूस हुई, उन्होंने विशेष को झकझोर कर जगाया। विशेष, विशेष, क्या क्या हुआ सर? चुप रहो, मेरे साथ चलो आराम से। पर सर हुआ क्या है? देखो सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है मेरे पास, मेरे साथ चलो। मुझे
रसोई से कुछ अजीब आवाज आ रही है। किस तरह की आवाज मुझे नहीं पता, एक बार देखना चाहता हूँ। तुम मेरे पीछे ही रहना, ठीक है? ठीक है सर। श्रीकांत धीरे धीरे चलते हुए रसोई की तरफ गया। रसोई की खिड़की बंद थी और पर्दा लगा हुआ था, पर फिर भी पर्दे के किनारे से हल्की सी रोशनी आ रही थी जिससे अंदर की तरफ देखा जा सकता था। उस किनारे से ही श्रीकांत ने रसोई के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। रसोई में उस खूबसूरत लड़की का तो कहीं अता पता ही नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक बदसूरत, बत्ती और बेहद खौफनाक दिखने वाली चुड़ैल बैठी हुई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और सारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। सारी रसोई में इंसानों की लाशें फैली पड़ी थीं, इंसानों के सर, उनके हाथ, उनकी उंगलियां, और हर तरफ खून ही खून था। ये दृश्य देखकर श्रीकांत सर भौचक के रह गए। उनके हाथ पैर कांप गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को चीखने से रोका और दबे पांव विशेष के पास वापस आ गए। और उन्होंने विशेष से कहा, विशेष जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो, जितनी जल्दी हो सके। और सर हुआ क्या है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, यहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। जल्दी से यहाँ से भागो, अपना सामान उठाओ और जल्दी निकलो यहाँ से। ठीक है सर। वो दोनों वहाँ से चुपके से खिड़की के रास्ते भाग निकले और भागते 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 काफ़ी आगे पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। वो पूरी रात इसी तरह धीरे धीरे चलते रहे। चलते चलते आखिर उन्हें नदी किनारे कुछ घर बने हुए थे। उन घरों के आसपास लोग भी बैठे थे, वे आपस में बातें कर रहे थे। इन दोनों के चलते चलते दिन हो चुका था, सूरज दिखाई देने लग गया था और अंधेरा काफ़ी हद तक छट गया था। देखिए, आप लोग हमारी भाषा समझ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें समझ में आ रही है आप क्या कह रहे हैं, बताइए। देखिए, हम लोग मुसाफिर हैं, बस यहाँ एक पौधा ढूंढने आए थे पर रास्ता भटक गए हैं। बता सकते हैं कि उस पहाड़ी तक जाने का रास्ता किधर से है? अच्छा, वो पहाड़ी, वहाँ तो हमारा रोज़ आना जाना है, वहाँ पे तो हम रोज़ जाके सब्ज़ी तोड़ते हैं और शिकार करते हैं। अच्छा, अभी आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। उन लोगों ने श्रीकांत से बात की और उन्हें कुछ खाने को दिया, साथ ही साफ पानी से उनकी बोतलें भी भर दीं। फिर वो सब एक साथ पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो सब एक दूसरे से बातचीत करते रहे। श्रीकांत ने अपने साथी से पूछा, अच्छा रात में हमारे साथ एक बड़ी ही अजीब घटना हुई। क्या घटना हुई? जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर है। वो पुराना घर? हाँ, हम वहाँ गए और हम वहाँ गए थे, हमें पता नहीं था कि वो किसका घर है, और हम वहाँ रात में रुके भी और वहाँ एक अजीब औरत थी। पहले वहाँ एक लड़की थी और फिर पता नहीं वो लड़की कहाँ गई, और रात में हमने जब देखा तो उसकी जगह एक खतरनाक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बहुत बहुत ही खौफनाक चेहरा था उसका, इसका मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, आपने वो चुड़ैल देखी? चुड़ैल? हाँ साहेब, जंगल में ना वो चुड़ैल रहती है। वो इंसानों की रूहों को कैदी बनाती है ताकि उसकी ताकत बढ़ सके, और
इसका मतलब उसने उस लड़की को भी ना 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 सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़कियों का भेस बनाकर इंसान को गुमराह करती है। वो अपनी असली शक्ल में आपसे मिलती तो क्या आप उसके घर पर रुकते? सही बात कह रहे हो। और ऐसा ऐसा भी नहीं होता है, यकीन नहीं होता, पर ऐसा हुआ है जाहिर। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए वहाँ से। चलिए आगे चले। आगे रुककर उन लोगों ने अपनी ज़रूरत के पौधे और सब्जियाँ उखाड़ना शुरू किया। तभी श्रीकांत सर को कुछ नज़र आया। वो देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, विशेष विशेष देखो देखो, वो वही जड़े जो हम ढूंढने यहाँ आए थे। पर विशेष ने जवाब नहीं दिया। वो अलग ही धुन में आगे बढ़े जा रहा था बिना कुछ सुने हुए। विशेष विशेष मेरी बात सुनो। पर फिर भी विशेष ने उनकी बात नहीं सुनी। वो आगे बढ़े जा रहा था। श्रीकांत सर उसके पास आए, उसके कंधे को झिझोड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ा और उन्होंने कहा, विशेष तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए चौंक गए। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी और चेहरा किसी बूढ़े इंसान जैसा हो गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज बाय करुणा कुशवाहा को। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।